वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SDM खजनी पवन कुमार सहित निर्वाचन विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर लिया जाए तथा कैंप लगाकर नए वोटर भी बनाए जाएं, जिससे चुनाव में नए वोटर अपने मतों का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्यों से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा आपके जिले का डिस्ट्रिक्ट का जो ट्विटर बना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गैदरिंग और मीटिंग्स का वाला काम हम नहीं कर सकते, हम रैली प्रदर्शन ऊपर नाकर नहीं कर सकते, तो हम ऑनलाइन की प्रक्रिया से ही एनरोलमेंट को बढ़ाएंगे। और जैसा कि हाँ, और गांव में जो ENM है, आशा है, और बैंक के लिए अभी एक सखी की व्यवस्था की गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अभी कोई व्यवस्था की है, हर गांव में एक एक महिलाओं को दिया है, उनको भी आप यूज करिए। एक सतत प्रक्रिया होगी, इसमें स्वीप को कुछ और बता दें, आपको हमने पत्र भी दिया है, स्वीप का नोडल ऑफिसर आप बना लीजिए, सोशल मीडिया का अलग नोडल ऑफिसर बना लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे काम हमको करने हैं। और कमीशन ने फैसला लिया है, हेडक्वार्टर लेवल पर दिया जाता है, नोडल ऑफिसर बने हैं, आप जिले में भी बना दीजिए, उसकी सूचना हमने मांगी है, उनका ईमेल आईडी फोन नंबर दे दीजिए, उनका हम अलग ग्रुप बना देंगे। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जो आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। 15 तारीख की बैठक में जिस बिंदु पर आयोग द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया, वो बिंदु है काउंटिंग। आप सभी अवगत हैं, जिन जनपदों में अभी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, या हम सभी लोगों ने 73 जनपदों में अभी ग्रेजुएट जितने कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कराए थे, विधानसभा में भी आपको प्रत्येक हॉल में 7 मेज लगाने की अनुमति मिलेगी। मतलब के आपके जो एग्जिस्टिंग काउंटिंग हॉल्स हैं, उनसे दुगनी संख्या में काउंटिंग हॉल्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। बाय इलेक्शन में दिक्कत नहीं आई थी, तो काउंटिंग सेंटर्स हमारे जो हैं, एक बार उनको हमें बहुत ध्यान से अभी रिविजिट करना होगा। उसका मैं रीजन भी आपको बताना चाहूंगा। अभी तक आयोग द्वारा रैशनलाइजेशन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए, यद्यपि हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि जैसे अभी कोविड काल में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, वहां पर भी 1500 वोटर प्रति बूथ के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन कराया गया था, परंतु चुनाव के समय कोविड की स्थिति देखते हुए 1000 वोटर प्रति बूथ के आधार पर ऑक्सीजनरी बनवाए गए। यही हम अपेक्षा कर सकते हैं कि यदि जिस हम थर्ड वेव की बात करते हैं, या कल को अगर कोविड की सिचुएशन खराब होती है, तो शायद हमसे भी चुनाव में 1000 या अधिकतम 1200 पे बूथ बनाने के लिए कहा जाए। तो सारे जनपद ये एनालिसिस कर लें कि यदि उनके यहाँ 1000 वोटर पे बूथ बनाया जाता है, तो कितने ऑक्सीजनरी बूथ उन्हें बनाने होंगे। एक वोटर एक बूथ पे 1000 मतदाता फिक्स करते हुए तो लगभग प्रदेश में 66,000 नए बूथ बनेंगे। 66,000 नए बूथ का मतलब हुआ कि प्रदेश 150 बूथ का मतलब हुआ कि आपकी 14 टेबल पर काउंटिंग कराएंगे तो 10 राउंड काउंटिंग आपको और कराने होंगे मिनिमम। ये एवरेज मैं स्टडी बता रहा हूँ, कहीं कम भी होगा कहीं ज्यादा भी। 24,000 ऑक्सीजन का मतलब प्रत्येक बूथ पे प्रत्येक एसी में लगभग 60 नए, मतलब कि 14 के हिसाब से रखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम मैक्सिमम 7 टेबल प्रति हॉल अलाउ करेंगे। अभी हमारे जहां पर भी हमारी काउंटिंग होती है, काउंटिंग सेंटर बनते हैं, वहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहां मशीनें आप रखते हैं, उसी के बगल में काउंटिंग हॉल होता है आपका, जहां पर 14 टेबल लगती थी, आप उस
किसी स्ट्रॉन्ग रूम के बगल में आपको दो रूम चाहिए होंगे जहां पर आपको सात सात टेबल लगानी होंगी, प्लस स्ट्रॉन्ग रूम का भी आपको देखना होगा कि यदि 150-200 रूम बढ़ जाएंगे तो इतनी ईवीएम और उनके वीयूसीयू वीवीपैट रखने की जगह वहां पे है कि नहीं। आयोग द्वारा पहली बैठक में इस बात को चिन्हित करके कहा गया कि चूंकि ये सबसे आखिर की चीज है और ये इसकी तैयारी बाद में कहीं छूट ना जाए, इसीलिए सबसे पहले इस बिंदु पे हमें ध्यान देना शुरू किया है। तो काउंटिंग सेंटर को रिविजिट करना होगा, एग्जिस्टिंग आपके जो स्ट्रॉन्ग रूम की कैपेसिटी और वहां पे कितने काउंटिंग हॉल्स हैं इन्हें देखना होगा, और यदि आपको लगता है कि हमें काउंटिंग सेंटर्स को बदलना है या विभाजित करना है तो या हमें चेंज करना है तो उसका भी आपको विकल्प सोच कर रखना होगा और एक संभावित कुछ विकल्पों की सूची आपको हमें देनी होगी। प्रदेश में 45 ऐसे जनपद हैं जहां पर मंडी के परिसर में काउंटिंग कराई जाती है। यूपी में पिछली इलेक्शंस में दो जनपदों में जौनपुर में प्रतापगढ़ में इस संबंध में रिट याचिकाएं दायर हुई है और कमीशन पे भी नेशनल लेवल पे ये फाइंडिंग आई है कि अब इस संबंध में अधिक से अधिक लिटिगेशन आ रहे हैं जिसमें कमीशन पार्टी बनता है, आप पार्टी बनते हैं और उसमें काफी असुविधा सबको होती है। तो मंडी का विकल्प यदि उपलब्ध है या हो सकता है इस पे अभी से विचार करने का प्रयास किया जाए। संभव है कि कोई नई बिल्डिंग बन गई हो, कोई नया बन गया हो, परंतु ये भी संभव है कि कोई मंडी का विकल्प ना भी हो, परंतु किस पॉइंट ऑफ थॉट पे सोचते हुए एनालिसिस करनी होगी कि हम काउंटिंग कहाँ कराएंगे, हमारे को कितने कक्षों की आवश्यकता होगी, हमारी कितनी विधानसभाएं हैं, मोरोनेस जितने काउंटिंग हॉल्स मौजूदा स्थिति में हैं उससे आपको दुगने काउंटिंग हॉल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यदि पोस्टल बैलेट जैसे कि इस बार आयोग ने कह दिया है कि 80+ सारे सिटीजन और पीडब्ल्यूडी आपके जितने वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट की सूचना दी जाएगी तो संभव है कि आपका पोस्टल बैलेट संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़े। विधानसभा उप निर्वाचन जो अभी लास्ट ईयर हुआ था उसमें एक आध जगह आपने पोस्टल बैलेट का अलग कमरा आपको बनाना पड़ा था, इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी पर्याप्त समय है, ठंडे दिमाग से हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये एक थॉट प्रोवोकिंग इशू है कि काउंटिंग कैसे होगी, सात टेबल लगा के कैसे करेंगे। कुछ प्रदेश में ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर ऑलरेडी हम 21 या 24 टेबल लगा के काउंटिंग कराते हैं, अभी भी कराते हैं, तो कल को आपके बूथ अगर बढ़ेंगे तो क्या आप 14 टेबल पे काउंटिंग कराएंगे तो कितने राउंड काउंटिंग कराएंगे, और अगर आप 21 टेबल कराएंगे कितने राउंड कराएंगे, ये सब निर्भर करेगा आपके पास स्थान की उपलब्धता में, कितना आपके पास स्थान उपलब्ध है और स्थान आपको सृजित करना होगा। सीओ सर इसमें अभी और डिटेल में डालेंगे, आपसे बात करेंगे। इसी के साथ में जो नेक्स्ट जो इशू आता है कि जब आपका 1000 रुपये या 1200 रुपये बूथ बनेगा आपको ये एनालिसिस करनी पड़ेगी जनपद लेवल पे कि 1000 रुपये अगर बूथ बनता है तो कितने नई मुझे पोलिंग पार्टीज बनानी होंगी, जितनी नई पोलिंग पार्टी बनेंगी उनके साथ उनकी परिवहन की व्यवस्था भी सोचनी होगी, और यदि कोविड का प्रकोप जारी रहता है तो उनके लिए उसी प्रकार से हेल्थ के विषय में सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क इन सब की व्यवस्था भी करानी होगी हमें। तो काफी चीजें एक दूसरे लिंक है। इसके अलावा अभी आपने प्रदेश में पंचायत निर्वाचन कराया है तो ये डेटा भी आपके पास अवश्य होगा कि हमारे पास मैन पावर एज ऑन डेट कितनी है, कितने हमारे गेट पे वाइज हमारे सरकारी या सरकारी हमारे पास कर्मचारी और अफसर मौजूद हैं। पंचायत में संविधा वालों को भी लिया गया था परंतु संविधा विधानसभा निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग अमूमन अलाउ तक नहीं किया है, विशेष स्थिति आएगी तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास पंचायत निर्वाचन का डेटाबेस है कि कितने कर्मचारी जनपद में हैं, और पंचायत निर्वाचन का जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर था उसमें ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल था कि आप रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अधिकारियों को बात कर लें। मुझसे कल मुजफ्फरनगर से डिप्टी साहब ने हमसे ये डेटाबेस शेयर किया था, हम चाहेंगे कि प्रदेश के बाकी सारे जनपद हैं इसकी एक रिपोर्ट बना लें, फॉर्मेट हम आपसे अभी आज शाम तक कल शेयर कर लेंगे, इसे आप हमें दे देंगे 20-22 तारीख तक तो इसे हम कमीशन को प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि कमीशन हमसे जो मांग रहा है क्या जो हम प्रेजेंट करना है हमको भी 1000 की स्थिति में हम कहाँ खड़े होंगे और 1200 की स्थिति में हम कहाँ खड़े होंगे हमें ये प्रेजेंट करना है।
अपनी मैन पावर के एनालिसिस में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।